आज आईफोन की पहली सेल थी और आप लोगों ने इंटरनेट पर देखा होगा कि कितना ज़्यादा क्रेज़ है इसमें। सबसे ज़्यादा तो यूथ में है गाइज, सबसे ज़्यादा तो 70% यूथ ने ही इसे कवर कर रखा, उसके बाद 30% में सब आते हैं। और लोग बता रहे हैं कि वो कल रात से जाकर, मतलब 19 तारीख को रात से जाकर बैठे हुए हैं कि सुबह कल स्टोर 8 बजे खुलेगा, तब हम जाकर आईफोन को लेंगे। मतलब एक काफ़ी ज़्यादा माइंड को डिस्टर्बिंग करने वाली बात आप लोगों को नहीं लगती? लेकिन लोगों का पैसा है भाई, वो चाहे जहाँ यूज़ करें, हम उसे बताने वाले कोई नहीं हो सकते। और आईफोन बना भी है किसी को ख़रीदने के लिए ही, और एक सर्कल है ऐसे चलता रहता है कि कोई बनाएगा, कोई बेचेगा, कोई ख़रीदेगा। तो इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इस वीडियो को मैंने अपने ऐसे भाइयों के लिए बनाया है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मतलब ऐसे चमक धमक वाले आईफोन को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो भी लेंगे तो प्रीमियम फील आएगी, अच्छा वीडियो बनेगा। अगर भाई क्रिएटर नहीं हो तो तुम्हारे लिए आईफोन बिल्कुल नहीं है, कोई भी सस्ता सा एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, अपना काम चलाओ बस। या फिर अगर तुम कॉन्टेंट क्रिएटर ही हो, अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो अपने हार्ड अर्न मनी को मतलब इतना ज़्यादा हाइप्ड वाले फ़ोन के पीछे मत बर्बाद करो, क्योंकि आईफोन की जितनी गुड क्वालिटीज़ हैं उतनी बैड क्वालिटीज़ भी हैं। अब इसे सर्च करने लगना तुम गूगल पर, लेकिन हैं ज़रूर। और जो लोग भाई कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो बिल्कुल मत लेना गाइज, क्यों अपने माँ बाप के पैसे को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? इसी पैसे को सेव करके रखो, फ्यूचर में काम देगा। ये जो लोग देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा तो हाथ टेक रिव्यूज़र मतलब फ़ोन के रिव्यू करने वाले लोगों का है, और कुछ तो उनका दिमाग भी ख़राब है जो लोग ख़रीदते हैं। खासकर मैं मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वाले लड़कों को बोल रहा हूँ। तो अगर आप भी लेने की सोच रहे हो तो अपने पैसे से लो यार, जो भी करना है। पेरेंट को तंग मत करो अपने आईफोन के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को थोड़ा वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए हेल्प के लिए ही बनाया है मैंने।